मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे जुड़ी हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा सा नहीं लगता, जैसे जिंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाब हाशिम फिरोजाबादी। सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये मेहमान शायर, जो इन दिनों मुशायरों की जरूरत भी है और मुशायरों की कामयाबी की जमानत भी। मैं हाशिम को आवाज दे रहा हूं, लेकिन ऐसे आवाज नहीं दूंगा। नौजवानों, मैं तुम्हें थोड़ी सी जहमत देना चाहता हूं, अपनी जगह से खड़े होकर अपने महबूब शायर का इस्तकबाल करो ताकि हाशिम का मूड बन जाए और हाशिम खूबसूरत कलाम के साथ माइक। हाजिरीन ग्रामी, आपने बहुत अच्छा सुना है। मतलब सुने के अकेलेपन की, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। शेर सुनना, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता। जो लोग अभी तक खामोश है, जब से मुशायरा शुरू हुआ वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। सुनिएगा, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बददुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मत और सुने के, अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, आ गया है क्या। जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बान खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका। वाह 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 वाह, हमारे सामने जिनकी ज़बान खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। वाह, सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या, कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या। मियां रहने भी दो, बेकार है दावे मोहब्बत के। वाह, किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। वाह वाह, मतलब सुने के मोहब्बत में किन्ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। बिलाल भाई, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। अच्छा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। थोड़ी 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 सी बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, बेदारी था मुझे मालूम है आप थक गए, लेकिन थोड़ी सी बेदारी, थोड़ा मूड बना दे। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, क्या मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। कितना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की। वाह, इस शेर की लाज रखना। सॉरी वालों, शेर पढ़ता हूँ। कितना दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने के, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना भाई हाशिम बाबा, हिसाब जो भी था जिसका साफ कराया, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया।
सुने खास तौर से मतलब सुने पेश करता सुनना के मुझे एक शेर पढ़ना है मुझे एतमाद है आप खामोशी अपनी तोड़ेंगे मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया मैं जब उठा तो सभी को माफ कराया अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया सुनेगा अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर हाशिम शेर सुना अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया मतलब और सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं सुनिएगा मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं मशहूर भाई मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा क्या कहना क्या कहना खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं सारी नफरतें मिसमार करके आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं जहीन लोग उसे कहते हैं आपका दरिया अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ जहीन लोग उसे कहते हैं आपका दरिया जहीन लोग उसे कहते हैं आपका दरिया अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ एक मतलब सुने के तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था क्या कहना मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ शेर पढ़ता हूँ कि फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक मेरे लिए वही कारून था वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक मेरे लिए वही कारून का खजाना था एक मतलब और पढ़ता हूँ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मैं बहुत शुक्रिया वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक मेरे लिए वही कारून का खजाना था एक मतलब और सुने मेरे लिए वही कारून का खजाना था मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ मेरा नसीब भी शान भाई मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ क्या कहना वाह 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 तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे आपने बहुत अच्छा सुना बहुत अच्छा सुना मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ नौजवानों तुम्हारा साथ तुम्हारे कई बिगड़े हुए काम बन जाएंगे थोड़ा सा ध्यान दे दिया मैं बता रहा हूँ आपको मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ वाह तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ क्या कहना हुआ बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका मगर मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ बहुत से
लोगों ने मांगा था हाथ उसका, कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। तुम्हारा नाम जब आया कि बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तखारा हुआ, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ, सजा के आज भी आशिक बहुत अच्छा, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ, उसे जो देखा आहा तो महसूस ये हुआ हमको। अच्छा, उसे जो देखा तो महसूस ये हुआ, क्या कहना क्या कहना, जमीन पे चांद हो जैसे कोई उतारा। तुम्हारे बाद फिर कोई नहीं हमारा हुआ, तुम्हारे बाद फिर कोई नहीं हमारा हुआ। शेर सुने के मैं आसमान था लेकिन जमीन पे आ बैठा, आहा तुम्हारे जाने से मेरा बड़ा खसारा। मैं जल रहा था अचानक बुझा दिया मुझको, खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको। शेर सुने खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको, हरे भरे हुए एक पेड़ की तरह था मैं, तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। के हरे भरे हुए पेड़ की तरह था मैं, तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। गजल का मतलब सुने, जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया, जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया, हमने तुम्हारे नाम। अब शेर सुने, तहरीर इश्क पर नया शोशा लगा दिया, तहरीर इश्क पर नया शोशा लगा दिया, उसने हमारे नाम पे कौमा लगा दिया, उसने हमारे नाम पे कौमा लगा दिया। अब मैं शेर पढ़ता हूं, अगर आप अपने आप को रोक पाओ तो रोक कर बताना। उसने हमारे नाम पे कौमा लगा दिया, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्ज पर, अब जो भी चाहो लिख लो। मैं चला जाऊंगा सोरेख वालों, मेरी ये शेर आपको याद रहेगा, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, वाह 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 वाह, लो दस्तखत के साथ, ये है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिल्कुल, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, लो दस्तखत, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, लो दस्तखत के साथ। एक मत और पढ़ता हूं, सुनिएगा मतलब, सुनिए, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, उस तरफ से इशारा नहीं होने, इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने। अब शेर सुने जी, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने। अब शेर पढ़ता हूं सोरेख वालों,
तायद करना। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। बहुत अच्छा लगा। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, मतलब सुनना, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे। सुनेगा मतलब सुने जी, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा हम न होंगे, वो कोई और होगा हम न होंगे। और शेर ये आपकी नजर करता, सॉरी इरशाद, इरशाद, नजर तुम फेर लो से जिस दिन, वाह वाह वाह, नजर तुम फेर लोगे हम जिस दिन, उसी दिन देख लेना हम न होंगे। हाशिम जिंदाबाद, जिंदाबाद यार, ये शेर फिर पढ़ो यार। वाह वाह वाह, नजर तुम फेर लोगे हम जिस दिन, बिलाल यार शेर सुनो, वाह वाह वाह, उसी दिन देख लेना हम न होंगे, ना होंगे। एक मतलब और सुने, इरशाद, मेरे जज्बात से धोखा किया है, मेरे जज्बात से धोखा किया है, न जाने तुमने क्यों ऐसा किया है। वाह, अब शेर सुनना, शायरी के नाम पे एक मतलब सुना, एक शेर सुनाता हूँ, इरशाद, मेरे जज्बात से, लफ्जों से कैसे खेला जाता है ये दिखाता हूँ, मेरे जज्बात से धोखा किया है न जाने तुमने क्यों ऐसा, सुनना, तुम्हारे साथ हमने क्या किया था, हमारे साथ तुमने क्या किया है, तुम्हारे साथ हमने क्या किया था, हमारे साथ तुमने क्या किया है, हमारे साथ तुमने क्या किया है, वाह, हमारे साथ तुमने क्या किया है, वाह। वो दिया भी शामिल था, क्या कहना, मेरा घर जलाने में, वाह वाह वाह, वो दिया भी शामिल था, हाथ जल गए जिसकी, वाह वाह वाह, रोशनी बचाने, वाह 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 वाह, हाथ जल गए जिसकी, हाशिम क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में, मतलब सुनिएगा, हैरत में सभी गुल हैं,
ये कैसा गुलाब आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबा। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया, वाह वाह, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाबा। सुनना, शर्माए महो अख्तर आमाल मुझे अपने, उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ पर जोरदार में ताली करें। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, और जिस्म नुमाया है इस दौर तरक्की में, ये कैसा नकाब आया, इस दौर तरक्की में कैसा नकाब आया, ये कैसा जी मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। क्या कहने, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती, वाह 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 वाह, अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां। सुनिएगा भाई, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का। हुकूमत को कोसने से कुछ नहीं होगा, हुकूमत किसी सियासी जमात कोई पार्टी आए, आप अपना भला खुद कर सकते हैं। तुम्हारे मसलों का हल क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको। दो मिसरे पढ़ूंगा मैं, आत्माद है जो लोग खामोश है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। सुनना, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे वाह वाह। इल्म हासिल करो, वाह, इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो।
हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही असल में अपनी पहचान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यहां से शुरू करता हूं, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, छोड़ कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुनना, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुनना, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुनना, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो। आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। तूफान उठना चाहिए अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ।
सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबजानों से, ये एकदम नया बंद है, ये आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद है, ये मिजाज बन गया है। ये मजहब इस्लाम आपको हुक्म देता है कि आप दूसरे मजहब का एहतराम करो, दूसरे धर्म की इज्जत करो, इसलिए ताकि वो धर्म भी आपके धर्म की इज्जत करे। आ रही है नदी में, आ रही नहीं, ये इधर लोगों को जरूरत है, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। मजहब इस्लाम आपको हुक्म देता है कि आप दूसरे धर्म की इस मजहब की इसलिए इज्जत कीजिए ताकि वो मजहब आपके मजहब की इज्जत करे। भाई हेमंत पांडे बैठे, ये मेरे दोस्त हैं, शशि श्रेया बैठे, हमें इनसे सीखना चाहिए। भाई हेमंत, आपके मजहब में गणेश जी, शिव जी, श्री राम, एक करेक्टर है श्री राम। लोग कहते हैं कि हम उस करेक्टर की मुखालफत करते हैं, कौन बेवकूफ कहता है, हम क्यों मुखालफत करेंगे। एक ऐसा किरदार, हम भी उसका एहतराम करते हैं उस किरदार का, जिसके वालदेन ने कहा कि जाओ तुम्हें 14 बरस का वनवास, तो पलट कर यही नहीं पूछा कि आखिर किस लिए। अगर हमसे कोई कह दे कि तुमको लखनऊ जाना है, तो हम पूछेंगे आखिर वहां काम क्या है। हम हर मजहब का और जितने देवी देवता हैं, हम उनका आप एहतराम करते हैं, हम मजहब इस्लाम हमको हुक्म देता है कि आप उनका एहतराम करें। लेकिन एक मिजाज बन गया है, फेक आईडी से एक दूसरे को, एक दूसरे से ऐसे कन्वर्ट कर दो कि एक दूसरे से ये मोहब्बत ना करें। हम कलम वाले, हम शायर लोग, कवि हैं, हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, हमें सीखना चाहिए। मैं एक बंद पढ़ता हूं, कैसे सीखे ये सुनना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए। अल्लाह, किताब, रसूल और आप, वो कह रहा है तेरे ही मोहल्ले में होंगे 10-20। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद है। एक मिसरा पढ़ूंगा और अगर अपनी खामोशी रोक पा तो रोक कर बताना। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अवजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद है, आयते तो भूल गए फिल्मी गाने याद है, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। रोक ले हमें कोई किसी में इतना दम नहीं, जान भी चली जाए अब इसका हमको गम नहीं। ज़हन के अंधेरों को मिटाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए,
अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आई न दिखाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। ताली बजाइए, हम बैठने जा रहे हैं।